हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ईटा गेम गॉड। और आज के इस एपिसोड में हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बार फिर से द विचर 3 वाइल्ड हंट। जैसे कि आपको पिछले वाले एपिसोड में पता होगा कि हम लोग गए थे एक पैलेस के पास, और वहाँ के जो किंग है, मतलब वहाँ का जो राजा है, उससे हमने बात की थी। और वहाँ पर हमारी एक डील हुई थी। तो उस डील में ऐसा था कि अगर हम यहाँ पर जो एक ग्रिफिन करके मॉन्स्टर, अगर हम उसको मार देते हैं तो वो हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढने में मदद करेगा। तो हमने वो जो डील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उसने हमें एक पता दिया था जो कि एक हंटर का है, तो जो सामने खड़ा है उधर पे, उसका नाम है मिसलव। तो उसकी उसका जो वो था एड्रेस उसने दिया था। तो अपन उसके यहाँ गए थे और हमने उसकी हेल्प की थी कुछ वाइल्ड डॉग्स को मारने में। तो उस वो भी अब हमारी हेल्प करने वाला है ग्रिफिन को ढूंढने में। तो चलते देखते हैं क्या होता है, आगे उससे बात कर लेते हैं। Good hunting now. Okay, तो यहाँ पे मेरी उससे बात हो गई है और उसने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कुछ समय पहले ही हमला हुआ है ग्रिफिन का। और वो ग्रिफिन जब उसने हमला किया तो एक और ग्रिफिन आके, मतलब दो ग्रिफिन है यहाँ पे, तो उन दोनों की लड़ाई हुई और एक ग्रिफिन यहीं आसपास कहीं उसकी डेथ हो गई। तो अपने पास उसको सर्च करना है और देखना है कैसा दिखता है ग्रिफिन। तो चलते हैं, अपना कुछ विचर सेंस यूज़ करना है अपने को। Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Grounds black. Saturated with blood. तो यहाँ पे अपन अपना विचर सेंस यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं। ओके, तो सामने कुछ है। ओके, तो ये तो मैप है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कुछ फुट स्टेप है, ऐसे भी देख लेते हैं। These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. ओके, तो ये जो फुट स्टेप है वो इधर जा रहे हैं। अपन भी इस तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। ओके तो यहाँ पे जो पुल है वो टूटा है और यहाँ से शायद अपने को कुछ लूट मिलेगी। ओके, तो अपने को कुछ पैसा भी मिल चुका है यहाँ पे। ओके, और इस तरफ चलना है शायद अपने को। ओके, तो इन्हें एग्जामिन। ओके, तो यहाँ पे अपने को और अपना विजर से। ओके, तो जो फुट स्टेप है वो इस तरफ जा रहा है, तो अपन इस तरफ चलते हैं। और वो जो ग्रिफिन है वो शायद तक यही इसी तरफ है। ओके, तो जो फुट स्टेप है वो और आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ के जो विलेज हैं वो भी बोल रहे थे कि जो ग्रिफिन है वो बहुत ख़तरनाक है, तो देखते हैं क्या है वो और शायद तक हम उसे मार पाएँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? ओके, तो ये कुछ नहीं, एक शायद है तो अपन का। ओके, तो ये देखिए, व्हाट रिमेन्स ऑफ इट एट लीस्ट, कॉर्प्स इज अ कपल। यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है और इसे लगता है ग्रिफिन ने मारा। ओके, तो ये रहा ग्रिफिन और आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये। और ये उसका नेस्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, ये उसका नेस्ट है, देखते हैं क्या है इसमें। Only a human could do this. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन पड़े हैं और ये है ग्रिफिन, इसे भी देख लेते हैं अपन एकदम। ओके, देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ है शायद। ओके, तो इसमें वेलन की लॉन्ग स्वॉर्ड है, स्प्लिट बोल्ट है, हिज एम्ब्रियल। ओके, तो कुछ था इसमें। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ग्रिफिन। Female larvae in her wounds have already hatched. Oh, ये female ग्रिफिन है। At least a week. Other griffin must be a male. ओके, तो ये कह रहा है कि जो दूसरा ग्रिफिन है जिसके जिसके बीच में इनकी फाइट हुई है वो एक मेल है और ये फीमेल थी, और इनके बीच में फाइट हुई है और यहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। तो अपने को एक आइडिया लग चुका है दोस्तों कि ग्रिफिन कैसा है, उससे कैसे हराना है।
तो देखते हैं अभी क्या करते हैं लोग। तो इसकी टिप्स वॉर्न, इसकी जो एज है वो 12 इयर्स ओल्ड है इस गेम। 12 इयर्स ओल्ड, ओके। ग्रिफिन्स पेयर ऑफ फॉर लाइफ व्हेन यंग, मेल मस्ट बी अबाउट द सेम एज। ओके, तो इसका कहना है कि जो मेल है उसकी भी एज 12 इयर्स ओल्ड है और ये एक रॉयल ग्रिफिन है। Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Okay, तो यहाँ पे अपन ने इसको देख लिया है और वैसे तो इसके कुछ नहीं है। So अब अपने को क्या करना है, एक आर्मर बनवाना है शायद। तो अपन चलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने इसको देख लिया और अपने को वापस जाना है यहाँ से। तो चलते हैं अपन, अपना हॉर्स मंगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो रहा शायद अपना हॉर्स। ओके, तो अपन चलते हैं अपना हॉर्स। ओके, ये रहा अपना हॉर्स और जल्दी से अपन चलते हैं। ओके, तो इस तरफ चलते हैं। जहाँ तक कि मेरे को पता है अब हमें लगता है कुछ पोशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि अपने को इससे फाइट करना है। तो अपन चलते हैं इस तरफ और देखते हैं ये लोकेशन में कहाँ लेके जाएगी। ओके, तो ये लोकेशन हमें इस तरफ लेके जा रही। ओ, इस तरफ चलते अपन। ओके, तो यहाँ से अपन ने जंप लगा लिए और अपन इधर आ गए हैं। तो मैप के हिसाब से जो हमें जाना है इस तरफ और देखते हैं वहाँ क्या है। मैं अपनी जो तलवार है उसे अंदर रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन विलेज पे आ चुके हैं और ये शहर तक हमसे डर सकते हैं, इसलिए अपन अपनी स्वॉर्ड पर रख लेते हैं अंदर। ओके, तो अपन इधर आ चुके हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लेडी है, उनसे बात करना पड़ेगा अपने को। ओके, तो हम यहीं उतर जाते हैं और शायद तक हमें उस लेडी से बात करनी है। उससे बात हो गई है और उसने कहा है कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओशन है, या उसको क्या कहेंगे, जो ये पूरा समझ लो तालाब है, इसके अंदर एक जड़ी बूटी है, मतलब यहाँ पे एक मेडिसिन है, उसे हमें लेना पड़ेगा और इससे एक पोशन बनाना है। उसके पीने के बाद ही हम ग्रिफिन से लड़ सकते हैं। तो वो देख सकते हो आप मैप में सर्कल जो बता रहे हो, तो हमें इसके अंदर अंडरग्राउंड जाना है। अब चलते हैं अपन और देखते हैं वो कहाँ है। ये है वो, तो अपन ने ले लिया और अपने को वापस जाना है और अपने दोस्त से बात करना है। तो अपन चलते हैं। तो अपने को डॉक्टर वेजमर से बात करनी है और देखते हैं वो पोशन बना के देते हैं कि नहीं। तो अपन चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन अपनी घोड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं और अपने को अब जाना है सीधे वहीं पे विस्मर के पास। सो चलो चलते हैं। तो दोस्तों कुछ देर में अपन पहुंच जाएंगे उधर पे। ओके, तो अपन पहुंच ही चुके हैं और ये अपन आ चुके हैं और अपन उतर जाते हैं और जल्दी से अपन बात कर लेते हैं अपने दोस्त से। Yes, what is it? Got good news. And the bad? What else could it? Griffins. I've not learned some. The Nilf. Got the more like city. Remember Trut? How can I? I'm red picked one. Good. तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बात हो चुकी है और हमें अब एक ट्रैप सेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कहाँ गया हमारा दोस्त। तो अपने को उस लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे ट्रैप सेट करना है और जो पोशन है वो हमने ले लिए हैं उसे लड़ने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अपन वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अपन वहाँ पे आ चुके हैं और इससे बात कर लेते हैं। Extreme amber waves of I know how. So
that stuff. No, well, we have. Come on. ओके तो अब यहाँ पे अपने को मतलब बैठ के देखना है कि वो आता है कि नहीं और जब वो आएगा तो अपने को उससे फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे नो नो गार्ड्स स्पीकिंग ऑफ मेबी दोस्तों ग्रिफिन और अपने को इसको मारना है वॉच आउट देखते हैं क्या होता है तो यहां पे अपने को लग चुकी है अपन जल्दी से पोशन पी लेते हैं यहां पे ओके तो अपन ने यहां पे पोशन पी लिया है यहां पे और अपने को बस इसको फाइट करना है कहां जाएगा भाग के It's fast. Okay, तो अपन इसको मार कराएंगे आज. Okay, तो ये उड़ चुका है यहाँ से. अपने को उसका पीछा करना है. Don't let it get away. Okay, तो जल्दी से इसका पीछा करते हैं. तो बस अपने को जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचना है और ये रहा उसका ब्लड तो आज अपन इसको खत्म करना पड़ेगा वो है जल्दी उसकी हेल्थ बहुत कम है तो उसको मारना ही पड़ेगा यहाँ पे वापस जरूर लौट जाएगा अपन ने मार दिया इसको दोस्तों ये अपनी विक्ट्री है और यहाँ पे ये जा चुका है no. Man, not me. ओके तो यहाँ पे मेरी इससे बात हुई और अब जो इसका जो वो है सिर वो अपने लिए हमारे लिए एक ट्रॉफी रहेगी और ये हमारे जो घोड़ा है उसमें जो हमारे पास घोड़ा है उसके बैक साइड पे वो हमेशा के लिए हो जाएगी तो अपन चलते हैं और जल्दी से इसको अपने घोड़े के ऊपर लगा लेते हैं चलते हैं ओके तो कैन टेक अ ट्रॉफी फ्रॉम द ग्रिफिन कॉर्प्स ओके यू गेन्ड अ एबिलिटी पॉइंट सो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने लिए दोस्तों और आखिरकार अपन ने इसको मार दिया है और देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे ओके तो अब करना क्या है अपने को ओके तो अब इसका लगता है हमें अच्छा ओके समझ गया सबसे पहले पेन से चलते हैं और इधर कुछ उसने बताया था ओके सो यहाँ पे तो बहुत ओके तो ये है वो चीज़ और यहाँ पे अपने को बस ओके तो ग्रिफिन फैदर भी मिल चुका है और इन्फ्यूज डस्ट मॉन्स्टर क्लॉक ग्रिफिन एग ग्रिफिन मुटैगन करके और ग्रिफिन ट्रॉफी अब अपने को लेनी है ग्रिफिन ट्रॉफी यहाँ पे ओके तो देख सकते हो अब हम सिंपली उसकी जो मुंडी है उसको निकाल लेंगे दोस्तों ये देख सकते हो आप हमने ग्रिफिन को मार दिया यहाँ पे पूरा एकदम ख़त्म कर दिया अपन ने ग्रिफिन को यहाँ पे दोस्तों और ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर था तो लगता है अब जो वो राजा वहाँ का वो हमारी हेल्प करेगा तो हमें उसे बात करना पड़ेगा
तो दोस्तों यहाँ पे जो है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने इसको मार दिया है, और अपन अपन अब यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा। सो अपन अपने हॉर्स को यहाँ पे बुला लेते हैं। सो वो आ रहा है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ग्रिफिन का हेड है वो सीधे सीधे हमारे हॉर्स के पीछे ओपी, इसको कहते हैं ओपी। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल ईटा गेम गॉड को। और जो उसका थर्ड सीरीज आने वाला है वो और भी औसम होने वाला है, तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए। और कमेंट करना कि ये पार्ट कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।